छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटा बच्चा होता है पहले तो उसको ठीक से पढ़ना नहीं आता, रीडिंग करना नहीं आता, ठीक है। और थर्ड फोर्थ के बच्चे, बहुत से बच्चे इंग्लिश का सही से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत से बच्चे हिंदी का ठीक से नहीं बोल पाते। तो सबसे पहले हम आप बोलिए कि बच्चों को कहेंगे पढ़ के तुम आओ, ये करके आओ, तो सबसे पहले आप बच्चों को चेक करें कि बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, कोई सेंटेंस बच्चा अच्छे से हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज टीचर है वो नहीं कर पा रहा, तो कैसे हम उसको इम्प्रूव कैसे उसको दे सकते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ने बच्चे को हम जो है उनको प्रोत्साहित करेंगे, बच्चे को उनको पढ़ना सिखाएंगे, पहले तो उनको अच्छा के बारे में बताएंगे। अच्छा तो पहले उनको अच्छा समझना आना चाहिए, अच्छा पहचानना आना चाहिए। जब वो अच्छा पहचानेगा ही तो पढ़ेगा कैसे? आजकल हमको के सामने समस्या आ रही, बच्चा अच्छा ही नहीं पहचान पा रहा, दो दिन का दो साल गैप हो गया है। अच्छा कैसे पहचानेंगे? अच्छा तो सीरियल का काम भी बड़े बच्चों को नॉलेज में तो पढ़ाया है तो लाइन करके इवन जो दे डोंट नो हाउ टू रीड अ सेंटेंस इन इंग्लिश and I was amazed that how he has to at such an age and he is not able to read a proper sentence. So my question is, reading of any language, the student must know how to read a something and how to write something. This is the most important factor. And so, reading and writing, बच्चों का language बहुत अच्छा होना, इसके लिए हम क्या करें? बच्चों को अच्छा ज्ञान सिखाएं, फिर हाँ छोटे बच्चों को अच्छा ज्ञान पहले कराएं, और जब वो अच्छे पहचानना सीख जाएंगे, मात्राओं को सीख जाएंगे, तो पढ़ना तो अपने आप आ जाएगा। मेन बात है तुम्हें अक्षर ही नहीं आ रहा है और मात्राएं ही नहीं आ रही, तो उनमें थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा। हम तो हफ्ते में एक दिन लेके चलते हैं बच्चों को, हफ्ते में एक दिन उनको आई कथा का पढ़ाया जाता है, सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, और उनके माता पिता से भी बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा वो लोग भी हेल्प करें। तो घर और साथ स्कूल दोनों लोग मिलकर, माता पिता और टीचर दोनों लोग मिलकर बच्चे को उससे करेंगे वर्क तो हो जाएगा। लेकिन मैम हम अपनी मैथ की समस्या कैसे आजकल है इंग्लिश पढ़ना तो पसंद, तो उसमें मात्रा नहीं,